हेलो प्रफुल्ल सर। हेलो, हाय गाइस। हाय, हाय सर। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मेन जो है सपना। ओके, सपना ज्वाइन है, उसके बाद जॉयल। जॉयल है क्या? ज्वाइन, वेयर इज द जॉयल? सर जोयल नहीं है ओके, और हेमंत? सर, वो भी नहीं है। मन भी नहीं है सर। ओके ठीक है। तो एक्चुअल में जैसा है कि ये जो हमारा जो पीएचपी का सेशन है, पीएचपी और उससे एंगुलर कनेक्टिविटी, इसका सेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक बात ध्यान में रखिए कि बैकएंड जो चीज रहती है वो अलग होती है, ठीक है, और फ्रंट एंड अलग होता है हमारा। फ्रंट एंड इज एंगुलर। एंगुलर के बारे में तो मैक्सिमम हम मैंने सेशन ले लिए है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करना है उसका, क्या बोलते हैं हमारा, उसका एपीआई कैसे इंटीग्रेट करना है, उसके फंक्शनलिटीज कैसे डेवलप करने हैं, इसके बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सेशन है हमारा, आपने अगर एपीआई बनाई है तो उसको टेस्ट कैसे करें, ठीक है, नोड जेएस पे भी और हमारे पीएचपी के लिए, ठीक है। तो अभी सेशन हमारा रहेगा पीएचपी कोडिग्नेटर से आपको एपीआई बनाने, ठीक है। एक्चुअली हेलो सपना, यस सर। तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जैम्प है आपके पास, यस सर। ठीक है, और आपने जो भी आपका पीएचपी का प्रोजेक्ट है वो जैम के अंदर क्लोन किया हुआ है, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पर ठीक है, कल से आपको वर्किंग करना है इस पर, ठीक है। तो यस यस यहाँ पर देखो पीएचपी पॉपटेक, ठीक है, पॉपटेक पीएचपी एपीआई करके ये आपको मैंने प्रोवाइड किया है। इसका डेटाबेस आपने बराबर डाला है इसमें हाँ सर, लोकल होस्ट एस्टेड ऑप्शन। पीएचपी, ठीक है। हाँ यहाँ पर हाँ ये हमारा पॉपटेक एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन पे भी है, आप लगे तो इस पर साइन साइन अप कर सकते हो, ठीक है, पॉपटेक डॉट मी। ठीक है, ये एप्लीकेशन है हमारा ऑनलाइन पे, ठीक है, इसको आप साइन अप कर सकते हो। ओके, इसको एक बार साइन अप कर लेना आप, आपके ईमेल आईडी से या साइन इन विद गूगल, ठीक है। हाँ सर। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करके आप इसका वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ सर। ये सेशन सबसे जरूरी आपके लिए है सपना, ठीक यस सर। है। बाकी लोग इसको देख सकते हैं, बाकी लोग इससे रेफरेंस ले सकते हैं, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, दो दो लोगों की टीम बनाएंगे और हर एक प्रोजेक्ट पर दो या तीन मेंबर रहेंगे, दो दो मैक्सिमम। सबको सभी प्रोजेक्ट शेयर नहीं होंगे इस बार, ठीक है। हम वो इंस्टीट्यूट वाला भी आप सभी लोगों से वो यूआरएल निकालने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि सिर्फ एक दो लोगों से, जैसे मेन, जैसे अभी सपना है, सपना के अंडर में एक लो व्यक्ति होगा तो उसको भी पॉपटेक शेयर होगा। अनिल के पास बीजेएस भी है, ठीक है, तो अनिल अनिल बीजेएस भी पर काम करेगा। हेमंत के पास इंस्टीट्यूट ईआरपी है, यानी वो एंगुलर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। जॉयल के पास हम इंस्टीट्यूट का ऐप दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक लोगों के पास अलग अलग प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। आप आपके एंड से इसका साइन अप कर सकते हो, ठीक है, poptech.me से साइन अप हो जाओ, या तो प्ले स्टोर से एपीआई डाउनलोड करो, एपीके डाउनलोड करो, ठीक है, poptech नाम का, नाम ध्यान में रखो, ठीक है, हाँ ठीक सर। हाँ है। यहाँ से जैसे ही रजिस्टर हो जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि प्रोजेक्ट का प्रोविजन क्या है, ठीक है। ये एक्चुअल में पॉपटेक, ये जो प्रोजेक्ट है ये बिजनेस कार्ड के रिलेटेड वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यू होके दिखा देता हूँ, थोड़ा नॉलेज इसकी जरूरी है हमें। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमें हमारा डिटेल्स हमें भरनी है, एक बिजनेस जैसे विजिटिंग कार्ड कैसे होता है, हम विजिटिंग कार्ड हमारा कार्ड के थ्रू शेयर करते हैं सभी को, ठीक है।
तो ये वर्चुअल कार्ड कार्ड हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें कुछ डिटेल्स वगैरह डालनी है हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, कॉन्टेक्ट कार्ड, जैसे ईमेल है, यहाँ से ईमेल ओपन हो जाएगा, मैंने जो भी ईमेल डाला है वो ईमेल यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल को ये हो जाएगा ये, और समझ लो कि ये इसमें इसको नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है। जो भी मैंने ईमेल डाला है उसको ये रिडायरेक्ट हो गया। व्हाट्सएप है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर चला जाएगा हमारा जो भी व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये एक्चुअल में मोबाइल ऐप के थ्रू किया तो ये प्रॉपर हो जाएगा वो व्हाट्सएप के थ्रू। कॉन्टैक्ट कार्ड है तो इसकी वीसीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी हमारी, ठीक है। जो भी वीसीएफ फाइल दिए हुए, ये किसी ने अगर मोबाइल में डाउनलोड कर लिया हमारा, तो उसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। ये एक हिसाब से हमारा विजिटिंग कार्ड है। पेटीएम का यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल है, सारे यूआरएल हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नया सेक्शन बनाना है, नया प्रोफाइल ऐड करना है, यहाँ से हम प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, कोई भी इंस्टाग्राम की यूआरएल डालनी है वगैरह सब। तो ये क्या होता है कि एनएफसी के थ्रू एक्सेस होता है। एनएफसी यानी आपके किसी के भी मोबाइल में एनएफसी वगैरह होगा, तो जैसे ही हम हमारा मोबाइल या हमारा एनएफसी कार्ड किसी हमारा ये जो पॉपटेक ऐप जिसके मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर है, उस मोबाइल को अगर हमने वो कार्ड टच कर दिया तो हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से वर्क करता है। समझ में आ गया सपना? हाँ सर। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मैसेजेस बहुत सारे हमारे 24 प्रकार के हम यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हैं, यानी कुछ भी चीजें हमें ऐड करनी है या सेव करके रखनी है, हम जब किसी को भी विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये सारी डिटेल्स वो हमारे इससे एंड से ले सकता है। आगे चल के इसका बहुत अलग से प्रोविजन है, उस टाइम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड जैसे ही शेयर करते हैं हम किसी के साथ, तो वो हमारी ये वाला प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली मेरी प्रोफाइल है, जैसे अगर ओपन करना है तो डायरेक्टली किसी को भी ये यूआरएल से भी ओपन कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर के अंदर। मैं दूसरा ब्राउजर ले रहा हूँ, यानी तो ये मेरी प्रोफाइल है। अभी इसमें मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, ये प्रोफाइल सब लोगों को देखने के लिए, और किसी को अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके वो डिटेल भर के कनेक्ट कर सकता है। ये डिटेल्स है, सेंड कनेक्ट टू प्रफुल, तो ये डिटेल भरेगा और कनेक्ट करेगा। फिर मैं क्या करूंगा, उनको कॉल करूंगा, ठीक है, कि उन्होंने कनेक्ट करने के लिए या लीड जनरेशन के हिसाब से ये वर्क करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ये हमारा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि हमारा देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम के अंदर, एचटी डॉक्स के अंदर, जस्ट मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस हेलो, सर, यस हाँ। सर। तो अभी एचटी डॉक्स के अंदर आपने जैसे ही पीएचपी एपीआई जैसे डाल दिया पॉप टैग का, ठीक है, ये वाली फाइल जो रहेगी आपको एग्जाम के अंदर पीएचपी माई एडमिन के अंदर इंपोर्ट करनी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन आता है इसके बाद का, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक एक एपीआई हमें बनानी है। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने जैसे ये किया, ये ऑनलाइन पर डाले वाले सारे एपीआई मैंने
यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर है, ठीक है। किसी को अगर पोस्टमैन इंस्टॉल करना है तो वो डायरेक्टली ये कर सकते हैं, या तो पोस्टमैन डॉट को डॉट इससे या आज से आप आपका अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। जा जाके आपका अकाउंट बनाना है, ठीक है। साइमी अकाउंट क्रिएट करके आप कर सकते हो, पोस्टमैन है डायरेक्टली पोस्टमैन पे अंदर जा सकते हो, पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन यूज करो या तो कोई अदर टूल होगा तो वो यूज करो। इससे क्या होता है कि हम एपीआई चेक करते हैं, ठीक है। एपीआई टेस्ट करने के लिए ये हमारा टूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे इतने सारे एपीआई बन के रेडी है, ठीक है। ऑटो पॉपुलेट, गेट ऑल सेंड कनेक्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंडर आईडी यूआरएल पास होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सेंड करते हैं तो हमें सेंडर आईडी 25 के हिसाब से हमें पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये ब्राउजर एड्रेस से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पूरा डेटा मिल गया हमें। तो समझ में आ गया आपको। ये क्या होता है कि हमारा जो डेटा आता है जेसन फॉर्मेट में आता है, और ये जो जेसन फॉर्मेट है तो हमारा एप्लीकेशन, ये वाला जो एप्लीकेशन है जेसन फॉर्मेट रीड करता है और यहाँ पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। सारे एपीआई जो रहते हैं वो जेसन फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। तो इसको जेसन फॉर्मेट में लेने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स वगैरह पास करने होते हैं, उसका ऑथराइजेशन चेक करना होता है। जैसे यहाँ पर बेसिक ऑथेंटिकेशन है यूजर नेम और पासवर्ड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी पास करते हैं, अगर गेट है तो बॉडी पास करने की जरूरत नहीं, पैरामीटर पास करके भी हम गेट कर सकते हैं। अगर पोस्ट है, यहाँ पर जैसे देखो ये पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बॉडी पास करनी पड़ती है और उस बॉडी के हिसाब से वो हमें वहां पर अपडेट कर देता है, या तो डिलीट कर सकता है, या तो यूजर की डिटेल्स ऐड कर सकता है, ठीक है। ये पोस्ट मेथड से होता है और गेट मेथड से मैक्सिममली हम क्या करते हैं कि गेट एंड पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा डेटा यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लिखा है, ठीक है, एक मेथड यूज की है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, कोडिग्नेटर के अंदर, कोडिग्नेटर के कंट्रोलर और मॉडल होते हैं, ठीक है। ये मॉडल्स है, अंडरस्कोर मॉडल से हम लिखते हैं, और ये कंट्रोलर्स, ठीक है। इसके अंदर हम मेथड्स लिखते हैं, ठीक है। ये मेथड्स हो गई हमारी, गेट लीड फॉर्म बाय यूजर एंड मोड, ठीक है। ये दूसरा हो गया एड लीड करके, ये मेथड्स कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली मेथड्स हो रही, डिलीट ऑल लीड्स, ठीक है, ये मेथड है, ठीक है। और इसका जो अंडरस्कोर करके पोस्ट या गेट हम यूज करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, गेट पोस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, गेट एंड पोस्ट, अंडरस्कोर गेट यानी डेटा रिट्राइव कर, गेट मींस हमें डेटा डेटा रिट्रीव करने गेट, हाँ, रिट्राइव करने के लिए, और पोस्ट मीन्स पोस्ट डेटा हमें ऐड ऐड पास करने करने, के लिए। ये क्या होते हैं हमारे मेथड टाइप, ठीक हाँ है, हाँ मेथड टाइप बोल सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें डेटा पास करने के लिए हम पोस्ट मेथड से हम डेटा डेटाबेस में ऐड करने के लिए या उस एपीआई को प्रोवाइड करने के लिए हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, और गेट मेथड उस वो सारी जो डिटेल्स है वो डेटाबेस के अंदर से हमारे लिए यूआई में डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये गेट और पोस्ट मेथड, और ये गेट और पोस्ट जो है ये कंट्रोलर में ही लिखना है, ठीक है, मॉडल में हम लिखते नहीं है गेट और पोस्ट, ठीक है। आगे और डिटेल में आपको बताएगी, ये अभी बेसिक नॉलेज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये और डिटेल में जैसे जैसे आप इस पर काम करोगे ना, आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। तो जैसे ही अभी देखो यहाँ पर गेट लीड मास्टर है, तो यहाँ पर देखिए जो भी मैं क्लास लिखता हूँ, ठीक है, तो क्लास का जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो भी क्लास लिखोगे कंट्रोलर का या मॉडल का, जो भी क्लास लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और इसको एक्सटेंड
रेस्ट कंट्रोलर ये कंपलसरी है रेस्ट एपीआई के लिए, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया सबको? उसके बाद मॉडल में आते, ठीक है? मॉडल में देखो, मॉडल में अंडरस्कोर गेस्ट अंडरस्कोर पोस्ट कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मेथड रहती है, ठीक है? और उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस लोड होना चाहिए, ठीक है? जो भी हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं या इंस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ये लोड होता है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्फ़िग के अंदर, डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर, यहाँ पर, ठीक है? तो कौन से होस्ट नेम को कनेक्टेड है, यूजर नेम क्या है, और उसका डेटाबेस टेबल नेम क्या है, क्या इसको पासवर्ड नहीं है इस वजह से हम नल पास कर रहे हैं, ठीक है? तो हम किस डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर पबटेक डीबी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये पबटेक डीबी टेबल को हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है? तो ये डेटाबेस लोड हो गया यहाँ पर लीड मॉडल के अंदर। जो चीजें आपको जरूरी है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आगे चल के आपको सारा डिटेल में हो जाएगा जैसे जैसे आप काम करो, ठीक है? अभी यहाँ पर देखिए, गेट लीड फॉर्म बाय यूजर एंड मोड, ये मैंने मेथड लिखी, ठीक है? और इसको कॉल करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉपटेक 2.0 में गेट लीड फॉर्म बाय यूजर, तो मैंने यहाँ पर यूजर आईडी पास किया है और मोड पास किया है, ये दो डिटेल पास करके मैंने यहाँ पर सारा डेटा पुलअप किया है जो डेटाबेस के अंदर है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, ये पॉपटेक XYZ ये सर्वर पे होस्टेड है, इस वजह से यहाँ पर डाला है। अगर ये लोकल से है तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा हमें, लोकल होस्ट, और ये जो प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पर देखिए, उस प्रोजेक्ट का नाम, ये वाला प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है? अंडरस्टूड सपना? यस सर। ये पॉपटेक प्रोजेक्ट का नाम है, लोकल होस्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एपीआई, उसके अंदर का फोल्डर, ठीक है? जो भी फोल्डर है ये देखो, उसके अंदर एपीआई नाम का फोल्डर है, ठीक है? और एपीआई फोल्डर के अंदर ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, ये कोडिग्नेटर पीएचपी में बना हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है, ये कंपलसरी है, इंडेक्स डॉट पीएचपी को हम निकाल भी सकते हैं, बट ये यूआरएल कोई देखने वाला नहीं है, इस वजह से हमने वो एज इट इज रखा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी ये कॉल होता है ये वाली फाइल, ठीक है? यहाँ पर देखो, एपीआई के अंदर की इंडेक्स डॉट पीएचपी ये वाली फाइल कॉल होती है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम जो कंट्रोलर का क्लास लिखे हुए हैं, जैसे लीड, एल कैपिटल लीड वाला जो हमारा कंट्रोलर का क्लास है, ठीक है, उसको हम स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। यहाँ पर लीड का एल कैपिटल है, बट कोई भी हमें कैपिटल लेटर वाला कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सिर्फ वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है? ये जैसे ये देखो, लीड के अंदर हमने एड लीड करके वाला मेथड कॉल किया है, तो कौन सी मेथड कॉल होगी हमारी, ये वाली, लीड कंट्रोलर के अंदर हमारी एड लीड अंडरस्कोर पोस्ट नहीं देखना है हमें, ठीक है? अंडरस्कोर पोस्ट यानी हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली एपीआई हमारी कॉल हो रही है, ठीक है? तो जैसे ही ये वाली एपीआई कॉल होती है, तो फर्स्ट हमारा ये डेटा लोड करते हैं हम, पोस्ट मेथड से जो भी डेटा आया है वो डेटा हमें यहाँ पर डेटा वेरिएबल के अंदर मिल गया है, ठीक है? यहाँ पर देखो, जो हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, ये वाला डेटा देखो, यहाँ पर बॉडी में जो जितना भी डेटा हमने डाला है, ये सारा जेसन फॉर्मेट में, यूजर लीड आईडी, उसके बाद यूजर मोड, एसएमएस सेंड, ईमेल सेंड, लीड इनपुट्स नाम का एरे है पूरा, ये पूरा एरे है, ठीक है? ये पास कर रहे हैं। उस एरे के अंदर देखो ऑब्जेक्ट है एक, ये ऑब्जेक्ट पहला, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट, ये पांचवा, और ये छठवा, और ये सातवा, सात ऑब्जेक्ट पास करके है, ठीक है? और हर एक ऑब्जेक्ट में एक जैसे फील्ड है, देखो एक जैसे फील्ड है हर एक ऑब्जेक्ट में, यानी ये एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही क्या बोलते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट का क्लोन है, उसमें वैल्यू अलग अलग है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये फील्ड है इनपुट आईडी, उसके बाद इनपुट टाइप, लेबल, एक्टिव इनएक्टिव वगैरह, ये सारे फील्ड है, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है ये देखो, ठीक है, लीड इनपुट वैल्यू करके, ठीक है? तो इन सारे डेटा को हमें कॉपी करना है,
हेलो, हाँ खुश। अरे कॉल चालू है, मी तुला कॉल करतो। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये वाला एक पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट की जो भी डिटेल्स है मैं ये इसको लीड मास्टर टेबल के अंदर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये लीड मास्टर के टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन से डिटेल्स है। SMS सेंड है, ईमेल सेंड है, मोड है, यूजर है। ठीक है, तो ये वाली जो डिटेल्स है, ये वाली डिटेल्स लीड, यूजर आईडी, मोड, SMS सेंड, ये वाली डिटेल लीड मास्टर के अंदर। उसके बाद लीड इनपुट टेबल नाम का एरे है। इसमें एक एक जो है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पहला रो हो जाएगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है दूसरा रो हो जाएगा, तीसरा ऑब्जेक्ट है तीसरा रो हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू है इनपुट टाइप लेबल एक्टिव इज डिलीट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये दूसरा जो है लीड इनपुट्स नाम का टेबल है, इसमें देखो इनपुट टाइप लेबल, ठीक है, इज डिलीट रिक्वायर्ड वगैरह, ये फील्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ। बट इसमें एरे है, यानी ये क्या हो जाएगा, एक एक रिकॉर्ड बन जाएगा इसका। इसका पहला रिकॉर्ड बन जाएगा, इसका दूसरा रिकॉर्ड बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक ही रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर देखिए, इसका एक ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये पहला रिकॉर्ड, उसका एक ही रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, बट इसको अंदर, इसके अंदर डालने के लिए ये जो एरे है इसको फॉर लूप लगा के मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसका हर एक, इसका एक एक रिकॉर्ड होगा, तो ये 7 रिकॉर्ड बन जाएंगे उसके अंदर। और हर एक इसके अंदर क्या होगा, फिर ये एक एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसकी एंट्री जो होगी हमारी इस टेबल के अंदर होगी, कौन से, लीड इनपुट्स वैल्यू के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम वर्क करते हैं। तो अभी देखिए, मैंने इसका डेटा, मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ पहले। अभी देखिए, यहाँ पर 0 रिकॉर्ड है, इसको मैंने लीड मास्टर को ट्रंकेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये लीड इनपुट मास्टर वाला टेबल है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, ये सिर्फ गेट के लिए कर रहे हैं, इंसर्ट नहीं कर रहे इसमें डेटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए लीड इनपुट नाम का टेबल एम्प्टी हो गया, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद लीड मास्टर के अंदर बिल्कुल डेटा नहीं है और इनपुट्स वैल्यू के अंदर डेटा नहीं है। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पर पोस्टमैन से हम सबमिट से क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, सेंड करके सबमिट कर दिया। ठीक है, ये सबमिट हो गया, ट्रू हो गया, लीड ऐड हो गया। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर लीड मास्टर के अंदर, यहाँ पर देखो 1 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, बट लीड इनपुट्स के अंदर देखो 7 रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि उसके 7 ऑब्जेक्ट थे और हर एक की वैल्यू अलग अलग थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस ठीक, तो अभी देखो, अभी यहां पर एक एरर आ रहा है मेरे इसमें। ठीक है, यहां पर लीड इनपुट से लीड इनपुट्स के अंदर ऐड हो गया, लीड मास्टर के अंदर 1 रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक था इसका, इसके 7 ऑब्जेक्ट थे, तो यहां पर एंट्री हो गई। ठीक है, बट लीड इनपुट्स वैल्यू के अंदर एंट्री नहीं हो रही। ठीक है, शायद से मेरा कुछ अल्गोरिथम या प्रोसेस गलत होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो जैसे ही मेरा डेटा आ जाता है पोस्टमैन से, जो भी जेसन में डेटा हम पास कर रहे हैं वो वाला डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए लीड आईडी अगर नल है, ठीक है, नॉट, ठीक है, इसमें नॉट नल है, यानी लीड आईडी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा, नहीं तो ऐड इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोस्टमैन, पोस्टमैन यहाँ पर देखिए, ये डेटा देखिए। ठीक है, सबसे पहली वाली यहाँ पर लीड आईडी देखिए, लीड आईडी हमारी नल है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये हमारा एल्स कंडीशन में चला जाएगा। बराबर है, यहाँ पर कंडीशन देखिए, ये नॉट नल चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम एल्स कंडीशन में, एल्स एंड कंडीशन में आने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने एरे बना दिया लीड ऐड करने का। जो हमारा फर्स्ट जो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ से सेंड हो रहा है, तो हमने डेटा में जो जो वैल्यू ली है, यूजर आईडी, मोड, उसके बाद SMS सेंड, ईमेल और अपडेटेड यूजर आईडी, ये सारे फील्ड जो है यहाँ पर मैंने सेंड कर दिए, और एड लीड करके यहाँ पर इंसर्ट कर ले। ये देखो यहाँ पर लीड मॉडल के अंदर एक एड लीड नाम का मेथड है, एड लीड ये वाला।
एड लीड, ये वाली, ठीक है। तो लीड मास्टर के अंदर हम वो ऐड कर रहे हैं और उसकी आईडी हम रिटर्न में ले रहे हैं। आईडी यहाँ पर लीड रिटर्न में आ गई, ठीक है। एडेड रिजल्ट की जगह पर आईडी आ गई। अगर हमें उस वो आईडी मिलती है, ठीक है, जो हमने ऐड की हुई जो भी आईडी मिलती है, उस आईडी को हम क्या कर रहे हैं, लीड इनपुट्स नाम के टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक आईडी ऐड हो रही है, कौन सी, ये वाली लीड इनपुट्स के अंदर। देखो यहाँ पर लीड आईडी पास हो रही है, ये देखो वन नाम की, और यहाँ पर देखो लीड मास्टर के अंदर लीड आईडी है वन, ठीक है। जो भी हम ऐड कर रहे हैं फिर लीड इनपुट्स के अंदर हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये बाकी की वैल्यू हमारे इससे मिल रही है। देखो एक बार आप चेक कर लेना जो भी मिलता है हमें। देखो यहाँ पर लीड आईडी मिल रही है, ठीक है। तो ये डिटेल्स मिल रही है, इनपुट टाइप, लेबल, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल रही है, इज डिलीटेड, और ये सेव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एड इनपुट की जगह पर हम इसको कर रहे हैं। अभी देखो क्या होता है कि हमने जैसे ही समझ लो कि लीड इनपुट हमने ऐड कर चुके हैं हम इसके वैल्यू, ठीक है, तो ये दोबारा ऐड नहीं होनी चाहिए लीड इनपुट्स, ठीक है। हमने ये एक यूजर के हिसाब से, एक यूजर जो है सेम यूजर आईडी और सेम मोड के लिए ये दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए लीड इनपुट्स, ठीक है, कितनी बार भी करें। अभी ये 7 हो गए। मैं अगर समझ लो कि इसमें यूजर आईडी पास कर रहा हूँ, ये वाली 46 और मोड 0 है, ये दो चीजों के लिए दोबारा इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंडीशन डालता हूँ, ठीक है। कौन सी कंडीशन, अगर इनपुट आईडी हमें मिलती है ऑलरेडी एडिट वाली, ठीक है, और वो एग्जिस्ट रहती है इनपुट आईडी, तो हम इसको क्या करते हैं, दोबारा ऐड नहीं करेंगे। वो इनपुट आईडी हम यहाँ से इस मेथड से ले लेंगे और जो वैल्यूज है वो वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेट 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 लीड इनपुट, ठीक है, लीड इनपुट आईडी बाय लीड इनपुट आईडी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर इनपुट आईडी ऐड करनी है मुझे, ठीक है, इनपुट आईडी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनपुट आईडी है डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर देखिए इनपुट आईडी है, ठीक है। तो इससे हम गेट करेंगे, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। लीड इनपुट आईडी मैंने पास की है और ये इनपुट आईडी से मैच होके एक रो मिल रहा है हमें, उस रो के अंदर ये देखो इनपुट रो मिलने के बाद अगर ये है तो इसकी आईडी यहाँ पर इनपुट आईडी करके पास कर लेंगे, और जो भी लीड इनपुट है, ठीक है, जो हमें डेटा से मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको नाम देंगे लीड इनपुट गेट, ठीक है, ये इंसर्टेड नहीं है, गेट वाला हमें जो मिल रहा है डेटाबेस के अंदर से, और ये जो है हमारे पोस्टमैन से मिलने वाला वेरिएबल है, ठीक है, और इसको हम लीड इनपुट आईडी यहाँ पर पास कर लेंगे क्योंकि इनपुट आईडी से हमें मिल रहा है, ठीक है, और वही इनपुट आईडी हम वैल्यू के अंदर पास करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये इनपुट से मिल रही है हमें वैल्यू, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर पास कर दिए, बाकी सारा जो डिटेल्स है एज इट इज है, ठीक है। अभी हम इसको सेव करते हैं, बट डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, अभी पोस्टमैन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको इसको 1 2 3 4 देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, नेम हमारा 1 है, इसका मोबाइल नंबर 2 है, ठीक है, इसका 3 है, इसका इनपुट आईडी 4 है, इसका 5 है, ठीक है, इसका 6 है और इसका 7 है, ठीक है। उसी हिसाब से एक बार देख लेते हैं हम। देखो नेम जो है फर्स्ट नंबर पर नेम है, सेकंड नंबर पर मोबाइल नंबर है, थर्ड नंबर पर ईमेल है, बाकी 7 नंबर पर नोट्स है। देखो 7 नंबर पर नोट्स है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो इसकी दूसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये हमारे उसके इसका क्या बोलते हैं प्रोविजन है। अगर एंट्री होती है तो हमारे एल्गोरिथम में गलती है कहीं तो भी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया, हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इनपुट्स के अंदर
यहाँ पर एंट्री नहीं हुई, बट यहाँ पर देखते हैं हम लीड के अंदर दूसरी एंट्री हो चुकी है, ठीक है, लीड के अंदर दूसरी एंट्री हो चुकी है, बट इनपुट्स के अंदर दूसरी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कहीं तो भी हम वैलिडेशन दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्या हो रहा है, सेम सेम यूजर के लिए और सेम मोड के लिए, ठीक है, दूसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो फिर हम इसको लीड के हिसाब से लेते हैं, एंट्री भी हो भी सकती है, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे इसका फॉर्म जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो, यहाँ से मैं एक एंट्री निकाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर लीड आईडी को 1 पास कर देते हैं, क्योंकि हमें लीड आईडी तो मिल गई है ऑलरेडी, एक डेटाबेस में है, तो उसकी दूसरी एंट्री होती है क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीड आईडी जो है 1 डाल देते हैं, क्योंकि पहली वाली, ठीक है, ये पहली वाली लीड आईडी। अभी इसकी दो एंट्री होती है क्या वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, अभी इसकी दूसरी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, लीड आईडी भी पास कर दी है, और ये सारा चीजें हम यहाँ पर अपडेट करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है, सिर्फ हमारा अभी एक काम बचा हुआ है, लीड इनपुट्स वैल्यू जो है वो इंसर्ट टेबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लीड इनपुट वैल्यू ऐड करने की प्रोविजन देखते हैं कि हमारे तरफ से क्या गलती हुई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें समझ लो कि लीड इनपुट्स नल नहीं मिला है, लीड आईडी हमें प्रोवाइड की गई है यहाँ पर, तो हमें ये दोनों चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीड इनपुट जैसे ही मिल जाता है हमें, हम क्या करते हैं, पहले गेट लीड इनपुट ले लेते हैं पर लीड आईडी, ठीक है। लीड आईडी से जितने भी हमें एरे मिलते हैं वो हमें लेने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एपीआई रिजल्ट कॉल करेंगे, कौन सा, हमारा ये वाला गेट वाला, ठीक है। बट इसमें मल्टीपल रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। लीड इनपुट गेट है तो यहाँ पर इनपुट्स मिलेंगे मल्टीपल है, क्योंकि एक लीड के अंदर 7 से 8 हमारे इनपुट्स, एक लीड के अंदर 7 से 8, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर लीड इनपुट्स गेट करके मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, और इसमें क्या पास कर रहा हूँ, गेट लीड इनपुट बाय लीड, ठीक है, बाय लीड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लीड पास कर रहा हूँ। तो ये रहेगा हमारा लीड, यहाँ पर मैंने लीड आईडी पास कर ली है, मजेदार पोजीशन है यहाँ काम पर मैंने काम लीड, कर रहा ठीक है। तो यहाँ है पर अंडा मैंने फोर अंडा वाला टाइप लीड इनपुट, होगा क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल हमें ठीक जरूरी नहीं है, ठीक है है, मैं ठीक चलूँ आराम से मुझे खाली है। पड़ लो मैं फायदा नहीं गेट लीड इनपुट्स बाय लीड आईडी, तो बाय लीड, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक और एक एपीआई व्यू ऑल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, गेट ऑल लीड इनपुट, ठीक है, बाय लीड, ठीक है, ये वाला मेरा एपीआई है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लीड आईडी पास करूंगा, ठीक है, ये लीड आईडी पास कर ली मैंने, और यहाँ पर ये लीड इनपुट्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम वेयर, और यहाँ पर आएगा हमारा यहाँ से पूरा, ठीक बोला है, ये हो गया। तो यहाँ पर लीड आईडी पास होगी, इनपुट आईडी हमारी नहीं होगी, ये एपीआई मैंने बनाया अभी, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मैंने लीड आईडी पास कर ली, ये वाली लीड आईडी मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी एक्टिव लीड इनपुट्स है वही लेना है मुझे, और लीड इनपुट्स टेबल के अंदर से लेना है, ठीक है।
यहाँ पर वो डिटेल्स मिल गए हमें, ये डिटेल्स आ गए। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर इच कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर इच और फॉर इच, ठीक है, ये फॉर इच हो गया। और इसके अंदर मैं लीड इनपुट्स को एक सिंगल सिंगल इनपुट के हिसाब से रीड कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो अपडेट की जरूरत नहीं है। एज लीड इनपुट्स, ठीक है, अभी ये हमारा एक एक इनपुट मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी लीड इनपुट तो मिल गया, इसके भी हमारे एंट्रीज ऑलरेडी होंगे, ठीक है, तो इसको भी अपडेट नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यू का अपडेट करना है यहाँ पर। ये मेरा एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं मेरी एपीआई बना, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको मिलेगा तो मैं एक 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 चीजें आपको बताते जाऊंगा, तो इस हिसाब से आपको करना है काम, ठीक है। तो अभी लीड इनपुट भी मिल गया मुझे यहाँ पर, उसकी फिर आईडी मिल जाएगी यहाँ पर हमें, ठीक है। तो आईडी मिल गई, तो उस आईडी के अगेंस्ट में हमें वैल्यू पुश पुश करनी, ठीक है। तो डेटा की तरफ से जो भी हमें डेटा मिला है, इसमें भी हमें डेटा के अंदर भी हमें लीड इनपुट्स मिलते हैं, ठीक है। ये एक लीड इनपुट पोस्ट रहेगा हमारा, लीड इनपुट्स ये कैसे है, डेटाबेस की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। और एक हो सकता है कि कम ज्यादा राइज मिलता है हो जाए, तो मिलता है। लीड इनपुट पोस्ट, ठीक है, लीड इनपुट पोस्ट, ये पोस्ट मेथड से जितने भी लीड इनपुट्स आते हैं वो वाले हमने इसके अंदर ले लिया पोस्ट मेथड से। तो ये डेटा, ठीक है, डेटा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लीड इनपुट्स, ठीक है, ये एरे, ठीक है, ये वाला एरे कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है पोस्टमैन से, ठीक है, ये पोस्टमैन से लीड इनपुट्स एरे, ठीक है। तो इस एरे को हमने लीड इनपुट्स पोस्ट के अंदर ये डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम इसको, इसकी शायद से हमें जरूरत नहीं है, हम इसको बाद में करेंगे। डेटा जो भी मिल रहा है हमें सिर्फ लीड इनपुट पोस्ट के अंदर से मिल रहा है ना, तो इसको ही फॉर लूप में डालते हैं, ये बाद में देखेंगे हम, इसको फॉर लूप में डाल देंगे पोस्ट को, और एक एक लीड इनपुट लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि एक ये भी चीज है, क्योंकि वो हमारा लीड आईडी है और इनपुट्स के अंदर हमें लीड इनपुट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें लीड इनपुट्स मिल गए हैं, ठीक है, पोस्ट से जितने भी लीड इनपुट्स मिलते हैं वो, और हम क्या करेंगे उसको एक एक, अगर ये लीड इनपुट्स यहाँ पर है तो इसको इंसर्ट करेंगे, फॉर इच यहाँ पर देखिए, अगर उसके अंदर इनपुट आईडी है
और इनपुट की वैल्यू है, ठीक है, तो हम इसको ऐड वैल्यू कर देंगे सारी चीजें ऐड करके, ठीक है। और इनपुट आईडी वहां पर नहीं है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं, क्योंकि अगर वो लीड आईडी पास कर रहा है तो उसकी इनपुट वैल्यू भी होगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ये बाद में समझेगा आपको, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर मैं कंडीशन डाल देता हूँ रिजल्ट की, और यहाँ पर हमारा रिजल्ट है फॉल्स, ठीक है। अभी चेक करते हैं हम, शायद से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अभी देखो यहाँ पर इनपुट आईडी भी है और लीड आईडी भी, दोनों हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है हम जो पास कर रहे हैं, ये वाली डेवलपर नाम मेरा, उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है, तो ये वैल्यूज के अंदर पास होती है या नहीं। ये देखो 500 एरर आ रहा है यहाँ पर, तो हम एरर देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर अरे एरर आ रहा है, कहाँ पर 82 लाइन पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एरे, ठीक है। तो यहाँ पर 82 नंबर पे ये वाला, इसको एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे इनपुट्स मिल रहे हैं हमें पोस्ट मेथड से, ये एरे मिल रहा है हमें लीड इनपुट, लीड इनपुट है, और ये भी लीड इनपुट की तरह ही वर्क करेगा हमारा, क्योंकि इसमें गेट वाला प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लीड आईडी आ गया है, यूजर आईडी मोड आ गया है, ठीक है, ये वैल्यू और ये लीड इनपुट के अंदर की लीड इनपुट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा। एक बार फिर से सेव चेक कर लेते हैं इसको, लीड एडेड हो गया, ये दोनों लीड एडेड ही हो गया है इसका। यहाँ पर अब वैल्यू देख लेते हैं हम इसमें। अभी देखो मास्टर के अंदर एक ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हम कितने बार भी सबमिट करेंगे अगर हमें लीड आईडी मिलती है तो एक ही एंट्री होगी, ठीक है। और लीड इनपुट्स के अंदर 7 ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हम कितने बार भी अपडेट करें अगर उसकी इनपुट आईडी मिलती है हमें तो उसकी एंट्री नहीं होगी, वो अपडेट होगा, ठीक है। और थर्ड है वैल्यू के अंदर जितनी चाहिए इतनी एंट्री होनी चाहिए, बट अभी भी हमारा लीड इनपुट्स वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। शायद से गलती हमारे लीड यहाँ पर होगी कहीं, तो भी यहाँ पर इसमें लीड आईडी, उसके बाद इनपुट आईडी, वैल्यू और यूजर आईडी और मोड, ये चार चीजें हमें भेजनी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इनपुट आईडी है, लीड आईडी है, ठीक है, इनपुट आईडी हो गई, लीड आईडी हो गई, उसके बाद वैल्यू, ये वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है, ये चीज नहीं है उसमें, ठीक है। वैल्यू, उसके बाद मोड, ठीक है, और यूजर आईडी, ये पांच चीजें हैं यहाँ पर। एक बार फिर से देखते हैं इसमें, लीड आईडी, इनपुट आईडी, वैल्यू, यूजर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, एडिट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर, आ गए, ठीक है। ये देखो सबकी जितने जितनी वैल्यू है वो आ गई, या तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। बाकी इसमें एक भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, यस सर। अपडेटेड है।
ये जमेगा अभी सपना। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आप बाकी के क्लास का रेफर लो, रेफरेंस लो। हाँ सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, बट आप अगर हाँ प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा। तो आपको क्या करना है, टीम के अंदर काम करना है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। बीच। इसमें हाँ देखो, इसमें समझ लो कि आप यहाँ पर एडेड है कुछ फील्ड, ठीक है। फंक्शन बना के रेडी है, उसी में से यूज करना है आपको, ठीक है। बट हो सकता है कि वो जो पुरानी फंक्शन है वो भी चेंज करने की जरूरत पड़े आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, टीम, जो टीम हम ऑलरेडी एडिट की हुई है, अगर वो हमें मिलती है, उसकी आईडी मिलती है, तो उसको अपडेट करना है आप, ठीक है। अगर एडिट नहीं है, पहली बार इंसर्ट कर रहे, तो ऐड टीम हो, ठीक है। तो ऐड टीम के अंदर देखो, यहाँ पर टीम टीम के अंदर, यहाँ पर टीम मॉडल के अंदर देखो, ऐड टीम नाम का फंक्शन है, 2 मिनट, ऐड टीम नाम का फंक्शन है, ठीक है। ये देखो इंसर्ट कहाँ पर कर रहे हैं, टीम मास्टर के अंदर, बराबर है। टीम मास्टर के अंदर हम भी अपडेट करना है, तो यहाँ पर टीम मास्टर नाम का एक, ये देखिए, टीम टीम टीम, टीम नाम का शायद से टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं टीम नाम का टेबल, ठीक है। तो टीम नाम का टेबल क्या होगा इसमें, टीम ठीक मास्टर, ये हो गया टीम नाम का टेबल। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, टेबल बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो टीम का नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हम टेबल बनाते हैं, उसकी एक आईडी बना लेना। आंखें बंद करके आप आईडी बना लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये टीम आईडी बना, ठीक है। अभी के लिए जो प्रोजेक्ट है, ये पहले छोटा था, इस वजह से हम इसको ये क्या बोलते हैं, इसमें इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट लेते थे, ठीक है। बट कई कई जगह पर हम ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं लेते आईडी को, पहली प्राइमरी आईडी को, उसको एक कैरेक्टर के हिसाब से बनाते हैं, जैसे हमने इंस्टीट्यूट ऐप के अंदर बनाया, ठीक है। बट अभी ये ऐसे ही चल रहा है हमारा इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट से, तो इसको ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको प्राइमरी की असाइन करना है, और ये टीम आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला फील्ड रेडी, ठीक है। सेकंड फील्ड क्या होगा हमारा, टीम 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 को कुछ ना कुछ नाम होगा ना ये, हाँ, नेम नेम टीम नेम। तो ये अगर आपको देखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आप, आपके पास यूआई है, आप एक बार रजिस्टर कर लेना उसके अंदर हमारा पॉपटेक स्टैंडबॉट, ठीक है। इसके अंदर आप एक बार रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर रजिस्टर होना है, ठीक है। आप ऐप को इंस्टॉल करके आप रजिस्टर कर लो ईमेल आईडी और पासवर्ड से, ठीक है। तो अपना के हाँ सर, बाद आपको सर्वर नॉट रिकॉर्डेड, सर्वर यहाँ पर देखते हैं, सैंडबॉक्स लॉगिन होगा, ठीक है। लॉग इन होने के बाद आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें यूआई भी है,
ठीक है, यूआई के अंदर कौन से फील्ड लेने हैं वो भी मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, मैं बाद में आपको जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे वो उस टाइम पे बताएंगे। ठीक है, टीम आईडी है, टीम नेम है, ठीक है, तो मैक्सिममली टेबल जो है मैं ही बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, उसके रिगार्डिंग है थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं टीम का। ठीक है, ये चीज हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम किसने बनाई। हाँ, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ये यूजर आईडी हम अपडेट करेंगे और दो तीन चीजें हमें ऐड करनी है। उसके बाद एक और एक टेबल लगेगा हमें ऑर्गेनाइजेशन करके, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ठीक है, ये कुछ गलत हो गया हमारा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन आईडी हो, ठीक है, उसके बाद यूपीडी यूजर आईडी ये हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा यूपीडी डेट टाइम। ठीक है, ये हम लिखते ही है डेट टाइम, यूपीडी अपडेटेड डेट टाइम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा एक्टिव और इज डिलीटेड। ठीक है, डिलीट सॉफ्ट डिलीट के लिए रखते हैं हम। ठीक है, डेटा पूरा ट्रंकेट, ठीक है, इसको वैर कैर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन भी वैर कैर कर देंगे कि दोनों हमारे इंटीजर रहेंगे। उसके बाद ये वैर कैर रहेगा। ठीक है, उसके बाद करंट टाइम स्टैम्प चाहिए हमें इसमें, एक्टिव में 1 बीट और इज डिलीटेड में 1 बीट। ठीक है, ये रहेगा हमारा डिफाइंड एज 0 रहेगा सबसे पहले और ये रहेगा 1। ठीक है, और ये सारे रहेंगे, ये 255, ये भी 255, ये 25 लेंथ हमारी। ठीक है, ये 25, ये भी 25, ये रहेगा हमारा 255। ठीक है, और इसमें डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वो नल भी हो सकता है, कोई नहीं डालना चाहे तो, बट नेम जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन आईडी हमारा कंपलसरी रहेगा, बाकी तो यूजर जिसने ऐड किया है वो चीजें तो हम पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसके साथ हमारा दूसरा एक टेबल होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन नाम का। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ दो तीन चीजें हम अभी ऐड कर रहे हैं, बाकी की चीजें बाद में करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन मास्टर, ठीक है, तो इसमें एक आईडी ले लेते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ऑर्गेनाइजेशन मींस कंपनी हो सकती है। ठीक है, 25 इंक्रीमेंट प्राइमरी, ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम डालते हैं अब। ठीक है, नेम, ठीक है, वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, किसी का होगा तो। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतनी ही चीजें लेते हैं हम। ठीक है, इज डिलीटेड, ये शायद हम वैर कर लेंगे, इसको भी वैर कर लेंगे। ठीक है, इसको 255, इसको 255, बट ये चीजें नल हो सकती है अभी के लिए, बाद में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इस डिलीटेड में इसका 1 रहेगा,
और इसको डिफाइंड एज 1 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया सेव, ठीक है। तो आपको अभी आइटम ऐड के पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने टीम मॉडल और टीम ये बना है, टीम, ठीक है, ये वाला कंट्रोलर, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलर और ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल करना है, ठीक है, समझ में आ गया सपना। हाँ सर, हाँ इसको कॉपी पेस्ट करके करना है, जैसे यहाँ पर नाम ऐड टीम है तो यहाँ पर ऐड ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ठीक है, यहाँ पर टीम आईडी है तो ऑर्गेनाइजेशन आईडी आ जाएगा वो नल, ठीक है। तो आपका आपके सूझबूझ के हिसाब से इसको एपीआई बनाना है, ठीक है। आगे का जो भी ये रहेगा मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो सर, इसमें आपको कंपलसरी काम करना है, ठीक है। हेलो, हाँ सर, अभी कौन है हमारे पास, अमोल, हेलो, हेलो अमोल, हाय हेमंत, हेमंत, हाँ सर, हाँ सर, है सर, हाँ तो बोल जैसे बोल, जैसे ये पीएचपी एपीआई दे रहा है हेमंत, वैसे ही आपको क्या हाँ स्टूडेंट एपीआई कनेक्ट करना है, ठीक है। सर, हाँ सर, ठीक है, अमोल, हाँ यस, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पॉप टैग के साथ अभी क्या बोलते हैं भाई, सपना है, ठीक है, हाँ, और एक बंदा चाहिए हमें, ठीक है, पॉप टैग के साथ जुड़े काम करे उसके ऊपर, ठीक है ठीक ना, हाँ है। और हाँ हेमंत और जॉय के पास इंस्टीट्यूट एपीआई, इंस्टीट्यूट ईआरपी है, ठीक है, ओके, हाँ वो दो लोग वहां पर काम करेंगे। अनिल जो है बीजेएसबी पे काम कर रहा है, अनिल सर, आप किसी एक बंदे को और साथ में लीजिए और वो काम करे, क्योंकि जब कभी आपके तरफ से काम नहीं होता है या काम ज्यादा आता है तो उनको ओके, समझा के वो काम आपको उनके तरफ से करवा के लेना है, ठीक है। ठीक है, और आपको नोड जेस में काम करना है उसके अंदर, ठीक है। ओके, जैसे सपना, ये अभी हमारा पीएचपी में काम चल रहा है, आगे चल के यही काम हमारा नोड जेस में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे आपको नोड जेस में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है सर, चलेगा, ओके। हाँ ज्यादा चलेगा कुछ बड़ा नहीं है, जहां जहां पर एकदम इमरजेंसी गलत पड़ती है वहां पर, नहीं तो आपको पीएचपी के जितने भी हम मेथड यूज कर रहे हैं इसके अंदर उतने ही यूज करके आपको काम करना है, एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं ऐड करना है यहाँ पर। यहाँ पर सभी फंक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको वेरिएबल नेम चेंज करना है और जितने भी फील्ड हमने डेटाबेस के अंदर डाले हैं वो फील्ड वहां पर ऐड करने हैं, ठीक है। सर। और आपको पोस्टमैन यूज करना पड़ेगा, पोस्टमैन आप ऐड, सबसे पहले पोस्टमैन यूज करो, हेमंत, जॉय और सपना, ये सारे लोग पोस्टमैन के ऊपर आ जाओ, ठीक है, सर ओके। एक बार कनेक्टिविटी बताइए ना पोस्ट में आई। पोस्टमैन में कुछ भी नहीं है, पोस्टमैन जैसे आप साइन इन करते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लोकल होस्ट रहेगा, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ठीक है, उसके अंदर का फोल्डर एपीआई का नाम का फोल्डर है, इंडेक्स डॉट पीएचपी ये फाइल है, ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर का नाम और कंट्रोलर के मेथड का नाम, अंदर के मेथड का नाम, ठीक है, अंडरस्कोर पोस्ट नहीं लिखना है, अंडरस्कोर पोस्ट ये ऑलरेडी वहां पर पोस्ट और गेट के लिए, ठीक है। और जैसे अंडरस्कोर पोस्ट हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट मेथड आ जाएगा, और अंडरस्कोर गेट है तो यहाँ पर गेट मेथड से कॉल करना है आपको, ठीक है। ऑथराइजेशन में ये चीज ध्यान में रखिए आप, ऑथराइजेशन में हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन है, ये मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पे, ठीक है, एडमिन 1 2 3 4, और अगर पोस्टमैन है तो यहाँ पर बॉडी पास करनी पड़ेगी जेसन फॉर्मेट में, अगर गेट मेथड है तो यहाँ पर पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। और ये जो फील्ड रहती है हमारी, ठीक है, ये फील्ड रहती है डेटाबेस की फील्ड, ठीक है, जो हम पास करते हैं, ये डेटाबेस फील्ड से हमें लेना है, जैसे अभी यहाँ पर देखिए मैंने ऐड टीम कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर एक नई मेथड बनाई है ऐड टीम नाम की, ठीक है, यहाँ पर नया रिक्वेस्ट ऐड कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया ऐड टीम, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये वाला यूआरएल कॉपी करूंगा, ठीक है,
ये यूआरएल हो गया लोगो लोस्ट सेम, ठीक है। यहाँ पर लीड की जगह पर टीम होगा और एड लीड की जगह पर एड टीम होगा, ठीक है। उसके बाद ऑथराइजेशन हो गया हमारा, बेसिक ऑथेंटिकेशन मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम एडमिन है हमारा और पासवर्ड 1234 है, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर इसको सेव कर दूंगा, यहाँ पर बॉडी के अंदर जाऊंगा और जैसे मुझे एजेंट चेंज करना है, यहाँ पर शायद से क्लाउड एजेंट पे होगा, ठीक है। क्लाउड एजेंट पे रॉ डाटा जेसन डेटा मुझे पास करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर पहली आईडी है टीम आईडी, ठीक है। जो भी फील्ड मैंने डेटाबेस के अंदर लिया है यहाँ पर लेते जाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद टीम नेम, ठीक है, टीम नेम, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी लिया था, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट करना इसको क्योंकि गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, यूजर आईडी, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये पहले ऐड करना, वैल्यू बाद में ऐड करना, ठीक है, फिर पहले ऐड कर देना। उसके बाद यूजर आईडी, ठीक है। उसके बाद यूजर आईडी हो गया। उसके बाद हमारा है ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यूपीडी यूजर आईडी, ठीक है। ये तीनों चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होगी तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूपीडी यूजर आईडी, ठीक है। अभी मेरा टीम नेम मैंने एक ऐड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। टीम नेम मैंने ऐड कर लिया नेटबॉक्स करके, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ जरूरत नहीं डालने की। और यूजर आईडी लिया लिया मैंने 46, मेरा यूजर आईडी है 46, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने 46 अपडेट कर लिया। अभी देखो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन आईडी लिया हुआ नहीं है, ठीक है, नल है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन आईडी लेता हूँ तो वो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर नल है तो पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन आईडी ऐड करना पड़ेगा, उसकी आईडी लेनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर अपडेट करना है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन आईडी है तो फिर वो ऐड नहीं होगा, फिर हम डायरेक्टली टीम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? हेलो, हाँ हाँ। सर, तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी 1 करके यहाँ पर ऐड करने की प्रोविजन दे देता हूँ। ऐड टीम है यहाँ पर, क्योंकि ये बाद में आपको करना है, ठीक है। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नल है तो नल नहीं है, यानी नल है तो यहाँ पर ऐड टीम होगा। ऐड टीम के अंदर जाने के बाद ये टीम मॉडल के अंदर यहाँ पर टीम मास्टर के अंदर वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तो ये इन टीम मास्टर के अंदर अभी देखो एक भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं पोस्टमैन में जाता हूँ, ऐड टीम करता हूँ, ये वाली चीज नेटबॉक्स। यहाँ पर शायद हमें क्या करना पड़ेगा इसको, ओ इसका थोड़ा सा, एजेंट चेंज करना पड़ेगा। ये ब्राउजर एजेंट में डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर बॉडी है, ठीक है।
यहाँ पर पोस्ट मेथड आएगा यहाँ पर, ठीक है। और एजेंट में ब्राउजर से हम इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने सेंड कर दिया, देखो यहाँ पर टीम एडिट हो गया और टीम आईडी भी आ गई। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाके हम उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक हाँ सर, है। इस हिसाब से आपको अपडेट, डिलीट, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव, ये सारे मेथड्स बनाने हैं। कल आप उसको स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, तो मैं जितना भी मैंने बनाया है वो सारा मैं आपको से ये कर देता हूँ। सबसे पहले तो डेस्कटॉप, ठीक है, एक सेशन बाद में लूंगा मैं नोट जेएस का, जब मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम पे, ठीक है। अनल आपके लिए और ठीक बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं उसको। देखो एक चीज आप सब लोग ध्यान में रखना, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें, तो ये लाइफ में आपको सबको काम में आने वाली, ठीक है। अभी इंडस्ट्री ऐसी हो चुकी है कि हर जगह पर अलग अलग टेक्नोलॉजी काम में आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंगुलर पर है तो एंगुलर पे काम मिलेगा, फुल स्टैक के हिसाब से चलो। और देखो अभी आपको ये सीखने के लिए कितना टाइम लगा है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा। अगर आपको इसका नॉलेज होगा ना तो आप आधे घंटे में कुछ भी चीजें सीख सकते हो। और एक आदमी के पास नियर अबाउट मैं बोलता हूँ कि आप एक 5-6 लैंग्वेज एट ए टाइम सीख सकते हो, और वो कभी भी आपको लाइफ में काम में आए, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी भी हो आपको काम करते प्रॉपरली आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक टेक्नोलॉजी सीख ली तो उसके हिसाब से बाकी सारी टेक्नोलॉजी उसी के हिसाब से वर्क करती है। डेटाबेस में ऐड करना है, पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है, ये सारी चीजें उसी के हिसाब से रहती है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, फेस टू लेना है आपको। और हेमंत आप लोग इंस्टीट्यूट एपीआई पर मैंने काम किया है, ठीक है, वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। वो भी मैंने अपडेट कर लिया है, ठीक है। तो आपको टास्क असाइन है, कल सुबह से स्टार्ट कर लेना सपना, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अमोल, हाँ हेलो। ठीक है चलेगा। तो ये सेशन हो गया, इनको पीएचपी पर काम करने के शुरुआत कर ठीक देना, है ठीक ना? है। हाँ हाँ और ठीक है। अभी हर एक, हेमंत और अनिल के पास जो भी एक्स्ट्रा टास्क आएगा थोड़ा हाँ सा वो एक दो लोगों को शेयर कर देंगे अभी। हाँ चलेगा। तो अभी अनिल के पास ज्यादा टास्क है, ठीक है। तो हाँ ठीक है ना। एक अनिल अगर हाँ आपको लगता मेरे पास है है सर, मेरे पास है सर, कि अपने में से मेंबर में से कोई किसी के पास नॉलेज अच्छा है तो थोड़ा उनको शेयर करो, ठीक तो मुझे बताते जाओ। अभी है। जोएल और हेमंत दोनों मिलके काम करो, क्योंकि दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर हैं, ठीक। हाँ हाँ सर। तो सपना आप काम स्टार्ट करो, फिर दो एक दो दिन में मैं दूसरे एक बंदे को असाइन कर देता हूँ ये सेम काम, तो फिर आप मिलके काम कर सकते हो, ठीक है। यस सर, यस सर, ओके चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू सर। आरिफ बहुत दिनों के बाद आए। हाय आरिफ। हाँ यस सर, बहुत दिनों के बाद आया। हाँ हाँ अभी ठीक है सब? फिलहाल तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इस बारे में ओके चलेगा जो सर, भी है। ठीक अब है, ओके गुड नाइट गाइस। कंटिन्यू रहूंगा सर। हाँ हाँ गुड ठीक नाइट। है ना, किसी को कुछ पूछना होगा तो सब प्रपोज सर से पूछ सकते हैं। ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? अनल, हेमंत, सपना, तृप्ति। नो सर। नहीं, वो सर। अनंत और हेमंत के साथ तो मैं रेगुलर कनेक्ट होता हूँ। हाँ हाँ सर, अभी सपना अगर रेगुलरली काम करेगी तो उसके साथ कम्युनिकेशन होते रहेगा मेरा, ठीक है। हाँ
बाकी सारे लोग थोड़ा सा आप सब लोग अपडेट करो खुद को, ठीक है? हाँ, सर। ठीक है। ज्योति, हेलो ज्योति, ऐसा ज्योति रीना दोनों है, ही। ज्योति हमारे साथ पहले भी काम कर रही है ना? हाँ, पहले से है जो ओके ज्योति, हेमंत हेमंत और ननल के पहले से है ज्योति रीना। नहीं सर, ज्योति रीना इधर और आती हम हूँ। सब साथ में चलते हैं। ठीक ओके है, एक बार अमोल आप रिव्यू ले लो प्रॉपर, ठीक है? उसके बाद बताना, हम स्टार्ट कर देते नए प्रोजेक्ट को, ठीक ठीक है ना। ठीक, कल है? मैं देखता हूँ उनका कहाँ तक आया है, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट का। अनल और हेमंत, जो ओके भी सर, टेक्नोलॉजी अभी आपको लग रही है, तो इनको थोड़ा सा गाइड करो कि इनको पढ़ना क्या है अभी फिलहाल के कंडीशन में। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है, फिलहाल तो तो अभी पीएचडी थोड़ा क्लास। सा हाँ एक ठीक है सर। टॉपिक बताओ, थोड़े कुछ क्या क्या पढ़ना है आपके काम में, क्या जरूरी है अभी वो बताओ। ओके सर। अगर चाहे तो ग्रुप में भी डाल दो, थोड़ा सा वो सिलेबस डाल दो एटलीस्ट, कि ये लोग उसको ओवरव्यू कर सके। हाँ ठीक है सर, पहले तो उनको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर ही समझना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से एपीआई कॉल होते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अभी डेटाबेस पे मेरे ख्याल से अभी बाकी लोगों का उतना हैंड नहीं है किसी का। ज्योति रीना, आपको डेटाबेस का पता है थोड़ा बहुत? नो सर। ओके ओके, ठीक है। आप अनल और हेमंत से कोऑर्डिनेट करो, उनको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको वो थोड़ा सा मालूम करो। ठीक ओके सर, ओके सर, ठीक ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय। है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।